हेलो साथियों, वेलकम टू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टेक्निकल कंपटीशन वॉरियर। साथियों, आप सभी मित्रों का स्वागत है अपने चैनल टेक्निकल कंपटीशन वॉरियर्स पे। तो साथियों, यह एक यूट्यूब चैनल है। तो साथियों, इस चैनल पे डेली 8 AM यानी कि सुबह मॉर्निंग में टॉपिक चलता है करंट अफेयर सेशन बाई रवि सर के द्वारा। तो साथियों, आज 20 अगस्त 2020 है और 20 अगस्त 2020 का जितना भी करंट अफेयर न्यूज बना है, मुख्य समाचार कल रात की सुर्खियों से बना है, मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो चलिए साथियों, आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन एक क्या कहता है, किसने IPL 2020 का शीर्षक प्रायोजन अधिकार जीता है? ड्रीम इलेवन 222 करोड़। इसमें साथियों सेकेंड स्थान पर बैजू, थर्ड स्थान पर अन अकेडमी, इसके बाद टाटा सन्स, यानी कि ये सब इस दौर में थे, बट सबसे अधिक प्राइज 222 करोड़ रुपये में 3 साल के लिए ड्रीम इलेवन प्रायोजक बन गया है। तो अब कहलाएगा IPL प्रेजेंटिंग बाई ड्रीम इलेवन। तो साथियों, वीवो पहले था, चाइनीज का कंपनी था, अब भारत कंपनी ड्रीम इलेवन IPL 2020 का प्रायोजन बन गया है। तो साथियों, ये 9 सितंबर 2020 से UAE में शुरू होगा ये क्रिकेट IPL सीरीज। और साथियों, इस क्लास में हम लोग जो नया NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा CET एग्जाम लिया जाएगा, बैंक, रेलवे, SSC का, इन पर भी सारा टॉपिक मैं आज इस वीडियो में कराऊंगा साथियों, क्योंकि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है विद्यार्थियों के लिए और ये लागू होगा 2021 से। अब रेलवे, SSC, बैंक का एक ही एग्जाम होगा जिसका नाम रहेगा CET एग्जाम, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो चलिए साथियों, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया? तो भारतीय रेलवे ने किया। किस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्टॉक ट्रेडिंग सेवाओं की शुरुआत किया? पेटीएम। एरिया ARIIA 2020 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। किस बैंक ने अपने बचत खाता ग्राहकों के लिए SMS शुल्क माफ किया है? तो साथियों, ये SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट ग्राहकों के लिए SMS शुल्क माफ कर दिया है, जो पहले 3 रुपया करता था। किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबरकर ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दिया? तो माली। अगला क्वेश्चन क्या है, किस पेमेंट बैंक ने डिजिटल जान बचत खाता लॉन्च किया? तो फिनो पेमेंट बैंक, जो कि एक डिजिटल पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक की तरह। तो ये सबसे ऊपर फिनो पेमेंट बैंक ने डिजिटल जान बचत खाता लॉन्च किया। किस मानवतावादी दिवस यानी कि विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? तो ये कल 19 अगस्त को। कौन सा देश पर्यटन के इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या में शीर्ष पर है? तो ये पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले एलिफेंट की संख्या में शीर्ष पर थाईलैंड। किस IIT ने लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया है? IIT खड़गपुर। आने वाले समय में SSC, बैंक, रेलवे का परीक्षा कौन कराएगा? तो ये CET लेगा। तो साथियों, इस पे हम लोग इसका पूरा डिटेल्स देखते हैं। और साथियों, अगर पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। सभी विद्यार्थियों जो कि SSC, बैंकिंग, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के पास ये न्यूज आप लोग शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी अच्छे तरीके से डिटेल्स मालूम चल सके कि आखिरकार ये NRA CET क्या है और क्या बदलाव आने वाला है 2021 में। और जो अभी फिलहाल जो फॉर्म भराया हुआ है रेलवे, SSC, बैंकिंग का, तो बैंक तो यानी कि बैंकिंग का एग्जाम तो चल रहा है, बट SSC और रेलवे का जो आगामी प्रतियोगिता आने वाला है, पिछले साल का जो फॉर्म फिलअप हुआ है वो वैसा ही होगा, तो 2021 से ये लागू होगा। तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज यानी कि 19 अगस्त को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो सरकार भर्ती में एक बदलाव है, सरकारी भर्ती में एक बदलाव है। वर्तमान में सरकारी नौकरियों की तलाश करने वाले उम्मीदवारों के विभिन्न पदों के लिए कई भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित अलग अलग परीक्षाओं के लिए उपस्थित होना पड़ता है, जैसे कि TCS हो गया और भी सारे यानी कि संस्था जो एग्जाम लेता था SSC बैंकिंग का। तो अब उस सबको कौन लेगा? CET लेगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि 3 साल के लिए मान्य होगा उसका स्कोर कार्ड, 3 साल के मान्य होगा उसका स्कोर कार्ड। तो SSC, रेलवे, बैंकिंग का सिलेबस अब एक होगा। साथियों, उम्मीदवारों को कई भर्ती एजेंसियों को शुल्क देना होगा, विभिन्न परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए लंबी दूरी तय करनी होगी। तो ये पहले था, अब क्या है, हर साल लगभग 1.2 लाख सरकारी नौकरियां का विज्ञापन किया जाता है, एडवर्टीजमेंट रहता है हर साल 1.25 लाख, बट ऐसा नहीं होता है साथियों, बट सरकार कह रहा है।
जिसमें 2.5 करोड़ उम्मीदवार विभिन्न परीक्षाओं में उपस्थित होते हैं। ये सही बात है कि करोड़ों में विद्यार्थी, रेलवे में ही सिर्फ साथियों 3.25 करोड़ विद्यार्थी, 1.5 लाख पोस्ट के लिए 3.5 करोड़ विद्यार्थी फॉर्म भरा हुआ है NTPC और ग्रुप डी के लिए, तो विभिन्न परीक्षाओं में उपस्थित होते हैं। एक सामान्य पात्रता परीक्षा इस उम्मीदवारों को एक बार दिखाई देने और उच्च शिक्षा की परीक्षा के लिए इसमें से किसी भी या सभी भर्ती एजेंसियों पर लागू करने में सक्षम होगी। तो साथियों अभी यह केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाएगा, बट चाहेगा तो स्टेट सरकार भी इसे लागू कर सकता है और ये ऑनलाइन एग्जाम होगा आपके जिले में। तो साथियों अब लड़कियों को सरकारी भर्ती में आने की उम्मीद बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अब लड़की, पहले क्या था कि साथियों जैसे कि SSC का फॉर्म भरा तो उसको पटना या अन्य स्टेट एग्जाम देने जाना पड़ता था, रेलवे की बात करें तो UP जाना पड़ता था बिहार वालों को, बट अब ऐसा नहीं है। लड़का तो चले जाते थे बट लड़कियाँ नहीं जा पाती थी, तो अब लड़की भी जाएगी और एग्ज़ाम कहाँ होगा, उसके ही ज़िले में, यानी कि जहाँ आपका ज़िला है उसी ज़िला में आपका अब SSC बैंकिंग रेलवे का एग्ज़ाम होगा, लड़का लड़की सबके लिए। तो NRA सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में राज्य पत्रिका पदों पर भर्ती के लिए साझा पात्रता परीक्षा CET आयोजन करेगा और ये स्कोर कार्ड जो आपका बनेगा सरकारी नौकरियों में, ये आप लोग प्राइवेट कंपनी में भी आप लोग इसे दिखाकर उस यानी कि क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप लोगों को जॉब मिल सकता है। तो साथियों इस परीक्षा का उद्देश्य प्रत्येक वर्ष विज्ञप्ति सरकारी नौकरियों में एकल भर्ती परीक्षा के लिए विभिन्न भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित कई परीक्षाओं को बदलना है। मुख्य विशेषता क्या है इसका? तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट साल में 2 बार आयोजित किया जाएगा 6-6 महीने पर। विभिन्न स्तरों पर रिक्तियाँ की भर्ती के लिए स्नातक 12th 10th स्तर के लिए अलग अलग CET होंगे, अलग अलग एग्जाम होगा, 10th के लिए अलग, 12th के लिए अलग, ग्रेजुएशन के लिए अलग। तो CET 12 प्रमुख भारतीय भाषाओं में आयोजित किया जाएगा, 12 लैंग्वेज में यह एग्जाम होगा। यह एक बड़ा बदलाव है क्योंकि केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन केवल अंग्रेजी और हिंदी में किया गया था। CET के साथ शुरू होने वाले 3 एजेंसियों द्वारा की गई भर्तियों को कवर किया जाएगा, अर्थात कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान 3। इसमें चरणबद्ध होगा, यानी इसे चरणबद्ध होगा और विभिन्न परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए लंबी दूरी तय करनी होगी, यानी कि लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी कि साल में 2 ही बार एग्जाम होगा। हर साल लगभग 1.25 लाख सरकारी नौकरी के विज्ञापन किया जाता था और 2.5 करोड़ उम्मीदवार विभिन्न परीक्षाओं में उपस्थित होते थे। तो ये सब हम कराए हैं, चलिए आगे देखते हैं। साथियों यही है CET का पूरा डिटेल जो मैं आप लोगों को बताया। तो आप लोगों को CET कैसा लगा और आज का करंट अफेयर कैसा लगा, आप लोग जरूर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा, एक बार रिविजन कर लेते हैं। तो आने वाले समय में अब SSC बैंक रेलवे का परीक्षा कराया गया, CET NRA IIT में लोक कला अकादमी उद्घाटन, IIT खड़गपुर और हाथियों की संख्या में पर्यटन इस्तेमाल में थाईलैंड नंबर 1, विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त, फिनो पेमेंट बैंक डिजिटल जान बचत खाता लॉन्च किया और इब्राहिम उबाउरकर ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया, माली देश के राष्ट्रपति थे, और SBI ने SMS शुल्क माफ़ किया है सेविंग अकाउंट के लिए। एरिया रैंकिंग में मद्रास, IIT मद्रास नंबर 1 पे, और अपने प्लेटफार्म पर स्टॉक ट्रेडिंग सेवा की शुरुआत किया पेटीएम, और ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया भारतीय रेलवे, तथा IPL 2020 का अधिकार जीता है शीर्षक अधिकार ड्रीम इलेवन। तो ये था आज का कंटेंट, अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय यूथ।